मुरादाबाद की थाना डिलारी पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई 2.25 लाख रुपए की नकदी सहित असली भी बरामद किए हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश पिछले 14 दिनों से लॉकडाउन पर है, लेकिन उसके बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद है, जिसकी तस्वीर थाना डिलारी की जलालपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में देर रात उस समय सामने आई जब चेकिंग कर रही क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस को देखकर 3 बाइक सवार पीछे मुड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने के लिए ललकारा तो उन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। काफी देर चली इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए SP दयाद उदय शंकर ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों में बिलारी क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बबुआ और गणेश है। बबुआ पर 3 दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जबकि गणेश के ऊपर भी 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इनके पास से पकड़े गए नेकपाल की क्राइम हिस्ट्री चेक की जा रही है। इन्होंने इनके गैंग में पिछले 2 महीनों में कई बड़ी लूट की और डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से 2.25 लाख रुपए की नकदी सहित और भी सामान बरामद किया है। दिनांक 7 अप्रैल की रात्रि लगभग 11 बजे जलालपुर चौकी थाना डिलारी क्षेत्रांतर्गत चेकिंग चल रही थी। वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना पुलिस की टीम मौजूद थी। 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हैं, जब देखते हैं आगे कि वहाँ चेकिंग है तो मोटरसाइकिल घुमाकर भागने लगते हैं। नूरपुर मार्ग पर पुलिस से मुठभेड़ होती है, बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, पुलिस की सरकारी जीप क्षतिग्रस्त हो गई। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और 1 को गिरफ्तार किया गया है मौके से। घायल बदमाशों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उल्लेखनीय है कि दोनों घायल बदमाश, एक के विरुद्ध 36 अभियोग पंजीकृत हैं और दूसरे के विरुद्ध कुल 19 अभियोग लूट, हत्या, डकैती जैसे पंजीकृत हैं, और ये कुख्यात अपराधी हैं। इसमें से एक अपराधी बाबू और बबुआ हिस्ट्री सीटर है, जिसका एक पंजीकृत गिरोह भी है, और दूसरा अपराधी लक्ष्मण है, जो पूर्व में एक पंजीकृत गिरोह का सदस्य रहा है, वर्तमान में इसका पुराना गैंग लीडर जेल में है। इस प्रकार से इन्होंने एक गिरोह बनाकर, जिसमें 5 लोग सम्मिलित थे, और एक लूट की घटना जो डिलारी क्षेत्रांतर्गत हुई, उसमें 4 अभियुक्त, एक बदल गया, शामिल रहे, और दूसरी घटना जो चौकी जरगांव से पीछा करके थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में दिनांक 19 मार्च को घटित हुई, जिसमें 4,94,000 लूट की घटना कारित की गई थी, उसमें 4 अभियुक्त शामिल रहे। घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल, जिसपे यदि आपको याद आ रहा हो तो उस समय एक मोटरसाइकिल का नंबर 9303 पढ़ने में आया था, वही मोटरसाइकिल दोनों घटनाओं में इस्तेमाल हुई। एक अन्य जो फरार अभियुक्त है, दूसरी मोटरसाइकिल उसके कब्जे में है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए प्रयासरत है। घटना में उक्त लूट की घटना से संबंधित 1,75,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं, 3 तमंचे बरामद हुए, 10 कारतूस, मोबाइल फ़ोन जो लूट की घटना में गया था वो बरामद हुआ है। इस प्रकार से आगे की वैधानिक कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है।